अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों का आज बैगन का भरता, यानी कि समझ लो बैगन की चटनी। तो हमें लेना है दो बैगन, उसे अच्छे से धो लेना और इसे काटना है। हमको देखना है कि इसमें कहीं कीड़े ना हो। फिर उसके बाद हमें लेना है 6 हरी मिर्ची लौंगिया और थोड़े से 7-8 लहसुन की कली, नींबू, कोथमीर। फिर हमें इस बैगन को सेकना है गैस पे हल्का सी तेल लगा के। तो ये बैगन को मैंने अच्छे से काट लिया है, आप लोगों को बता रही हूँ। देखो इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसे गैस पे सेकूंगी यहाँ तेल लगा के। इनको हमें ऐसा सेकना है धीमी आंच पे, ये मैंने फास्ट रखा लेकिन अब धीमा करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को इसको अच्छे से हमें सेक लेना है। उसके बाद हमें इसकी चटनी बनानी है, चॉप करनी है। बैगन हमारे सीख चुके हैं, सीख के इसको हमने अच्छे से छिलके को साफ कर लिया है कि ताकि जले हुए छिलके उसमें नजर नहीं आए, नहीं तो कड़वापन महसूस होगा। तो हमें इससे अच्छे से ये सब कर लेना है। हमें बघार के लिए लेना है जीरा, कड़ी पत्ता। फिर मैं बताती हूँ आपको ये सब चॉप करके, ये सब इसमें डाल के चॉप कटर में चॉप करने जा रही हूँ। बैगन को हमने चॉप कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी बस। फिर उसके बाद हम इसे बघारेंगे तेल में जाके। तेल हो गया हमारा गर्म, तो हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग, कड़ी पत्ता। देखो 5-1 मिनट भाप लगाएंगे बस, क्योंकि पहले से सीखे हुए बैगन। मैंने बैगन डाल दिया इसमें, अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर हमारी भाजी बनके तैयार, बैगन के भट्टे भरते भट्टे। बहुत अच्छी चटनी बनती है, आप भी जरूर ट्राई करें। इसमें हमें थोड़ा सी डालना है 1 चम्मच नींबू का रस बस। फिर हमारी भाजी बनके तैयार, इसे हमें 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। हमारे बैगन के भट्टे की चटनी तैयार हो चुकी है। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अल्लाह हाफिज़।